हेलो उत्तीर्ण फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो ध्यान से कर लेना। वीडियो पे कमेंट भी कर देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन तुम लोगों का है, तो अच्छे अच्छे कमेंट कुछ कर दो। और सब्सक्राइब हो गया, लाइक भी तुम लोग कर ही देते हो, एवरेज 300-400 लाइक तो आ ही जाता है। घंटा लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, पर करोगे तो अच्छी बात है। बाकी शेयर भी तुम कर ही देना किसी ना किसी के पास। हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन तुम लोगों के नाम पे किया था, लेकिन एंडी गेमर ब्रो जो है वो कह रहे हैं कमेंट सेक्शन क्योंकि मेरे नाम पे है, मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना। अबे भाई, कॉन्टेक्ट मैंने तुम लोगों के नाम किया है, वो तुम लोग से बेचने लग गए मेरे नाम का कमेंट सेक्शन। शर्म कर लो, कहीं भी धंधा खोल के शुरू हो जाते हो। तो आओ चलते हैं पिछले एपिसोड में, जो काफ़ी शाकाहारी नहीं था, मांसाहारी था। जो है लेजी को कह दिया था भाई, सी इज़ माई ट्रू लव। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। जोयान के पीछे पड़ गए होती है फौज, जो जूजू और गुएओ की टीम थी, जिसे जोयान ने दो बार पेला था, लेकिन ये तीसरी बार भी जोयान के पास आ गए होते हैं वहाँ का फ्लैक्चुएशन फील करके। हालांकि पीछे जो लोग होते हैं वो उन्हें रोकते हैं पहले, तो यानी 10 लोग, क्योंकि जोयान ने कहा था अगर तुम लोग इन्हें नहीं रोकोगे तो पेल दिया जाओगे। लेकिन वो 10 लोग मार दिए जाते हैं और जोयान भी इसे महसूस करता है। तभी लेजी कहती है मैं जाती हूँ, तुम सामने के इस गार्डियन स्प्रिट से निपटो। दो सब गार्डियन स्प्रिट से निपटने के बाद ही जोयान को मिल सकते थे 3 बॉक्स और 12 स्प्रिट फ्रूट। तो जोयान उसके लिए भाई अपनी डेमन सोल बढ़ा देता है, डेमन पपेट उसे एक बार में ही पेल देती है। तब तक लेजी भी 2 बड़े रीजन्स के साथ पीछे आती है और कहती है भाई इससे ना निपटा जा सकता, ये तो बड़े बड़े रीजन देखकर पीछे पड़ गया है। जो देख कर जोयान कहता है ओए सी इज माई ट्रू लव, डोंट टच मी। देन हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है भाई तू अपनी टेक्निक मुझे दे दे, ये लड़की मुझे दे दे और यहाँ से चला जा। जो देख कर जोयान कहता है टेक्निक तक तो ठीक थी कात्या, लड़की की बात करके तूने अच्छा नहीं किया। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, किसी को नहीं जाने दूंगा, तो तुम्हारा खून चूस जाऊंगा। जोयान के दिल से ऐसे डायलॉग निकल रहे होते हैं, जो देख कर जो वो बंदा होता है और बंड इंसान होता है भाई, 40 मिलियन को स्टार था, जोयान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जोयान चारों तरफ कोहरा फैला देता है और फिर पीछे से आती है एक चीखने की आवाज, बेचारा बंदा जाकर पीछे गिरता है और जोयान के सामने खड़ा हुआ होता है पपेट, जिसने अपने हाथ को भी पीछे नहीं किया था, जिसके बाद मैंने एपिसोड वही एंड किया होता है। तो आओ देखते हैं इसके किसके बम्बू को काट कर जोयान तंबू कैसे लगाता है। तो यह एपिसोड भी काफी शानदार होने वाला है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कर देना बे, कर लाइक। मजाक समझ रखा है, बार बार इज्जत से बोल रहा हूँ, नहीं कर रहा है अभी तक, नहीं कर रहा है भाई, ढीठ इंसान। हाँ पता है तूने कर दिया लेकिन इसने नहीं किया। आओ तो ये एपिसोड और चैप्टर 3602 चैप्टर है, जहाँ पे हमें देखा जाता है एओ जियो की इमॉर्टल डेमन क्लोन से फाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और इमॉर्टल डेमन क्लोन बिना किसी सोर्स एनर्जी के फ्लक्चुएशन के दिखाई दिया था, यहाँ तक कि उसने किसी सोर्स एनर्जी का यूज भी नहीं किया था, केवल एक पंच के साथ ही। एल लग गए भाई, इसके एल लगा दिए थे। एओ जियो की तुरंत ही कहता है कौन हो ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। एओ जियो की यहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर रहा होता है, अपने कंधे वंधे खींच रहा होता है और अचानक ही सिर उठाकर जोयान के सामने वाली फिगर को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। जो देख कर जोयान कहता है मेरी हिम्मत कहाँ हुई है भाई, ये भंड इंसान तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है, इससे बातचीत करो। दूसरा गुएओ और जूजू, उनकी नज़र जब इमॉर्टल डेमन क्लोन पर पड़ती है तो वो हैरान होते, क्योंकि जब वो जोयान से मिले थे तो उन्होंने इमॉर्टल डेमन क्लोन देखा ही नहीं था भाई, उसे पता ही नहीं था उन लोगों की ये है क्या चीज। लेकिन अभी का जो पंच था वो क्रुएल्टी साबित करने के लिए पर्याप्त था, कि भले ही ए जियो की तैयार नहीं था वो इस पंच की पावर को फिर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था भाई, फटकर फ्लावर पॉट हो जाती हाथ की हड्डी। तभी जोयान कहता क्यों, कि आपके डोंग सेंग रियल में केवल इतने ही स्ट्रांग लोग हैं, क्या तुम्हारे 2.5 किलो के हाथ में दम नहीं है। जोयान यहाँ पे भाई फुल मजे ले रहा होता है, अब जोयान का मूड हो चुका था मजे लेने का। दूसरा भी ओजुकी की आंखें हो चुकी होती है उदास, इमॉर्टल डेमन क्लोन को देखकर उसे महसूस हो रहा होता है जैसे वो अपने पिताजी को देख रहा हो, ना सोर्स एनर्जी थी ना कोई कोई थी ना फ्लक्चुएशन था, लेकिन डर जरूर लग रहा था देख के। साथ ही ओजुकी ने फील किया था कि इमॉर्टल डेमन क्लोन का जो पंच था भले इसके अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन इस पंच की पावर ही काफी खतरनाक थी और उसकी लंका लगाने के लिए तो पर्याप्त से ज्यादा। हालांकि ओजुकी को अभी भी डर नहीं लगता, उसे लगा कि वो अभी भी नुकसान में था क्योंकि वो तैयार नहीं था, वो केवल 5-स्टार फाइटिंग गॉड जोयान के ऊपर अटैक कर रहा था और उसने अपनी रियल पावर को भी यूज नहीं किया था। साथ ही ओजुकी को यह भी महसूस हुआ कि भले ही इमॉर्टल डेमन क्लोन बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसकी कंप्लीट पावर के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं होगा। और आखिरकार उसे दर्जनों स्प्रिट फ्रूट भी दिख रहे थे ना, जैसा वो उसे चाहिए था। देखना तुम इस स्प्रिट फ्रूट के चक्कर में ये अपनी दोनों फुटबॉल फुड़वा के आएगा भाई। हालांकि ओजुकी यहाँ से पीछे हटने का ऑप्शन चूज कर सकता था, लेकिन स्प्रिट फ्रूट को देखने के बाद और उनके अट्रैक्शन को जानने के बाद वो बिना लड़े हार मानने को तैयार नहीं था।
यार वो चाहिए तो चाहिए यार। उसे पता था कि 100 सोर्स स्प्रिट फूड के अंदर लाखों ओरिजिन को ही शामिल है। यहाँ तक कि कोई भी होता तो उसे देखकर तंडोले मंडोले हो गया होता। लालच भाई, लालच एक बुरी बला है। हालांकि उसके पास 40 मिलियन ओरिजिन कोई फाउंडेशन था, लेकिन वास्तव में जो उसकी पावर थी वो केवल 7 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर थी। और लेट स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे पूरे 54 मिलियन ओरिजिन कोई स्टार की जरूरत थी, जो कि अभी भी काफी दूर थी। लेकिन ये दर्जनों 100 सोर्स स्प्रिट फ्रूट उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उसमें उसकी मदद कर सकते थे। वो तुरंत ही कहता, तुम्हारे पास कुछ ताकत है बच्चे, लेकिन तुम केवल एक हेडन अटैक करने में सक्सेसफुल हुए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे डरा सकते हो? क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? और अपनी पावर के साथ तुम इन दर्जनों स्प्रिट फ्रूट को निगलना चाहते हो? वैसे कहते तो वो अपना सिर उठाकर इमॉर्टल डेमन क्लोन की तरफ देखता है, जो देख के जो उनका थोड़ी बाबा। तो भाई तुझे क्या लगता है, मैं ऐसा सवालों नहीं कर सकता, इसे अपने पास नहीं रख सकता, तो तेरे बम में दम है कि तू इसे रख सकता है? सच सच बताइयो, इस पंच से तेरी फटी ना? नहीं, फटी ना भाई, जो यान के जो कमेंट थे ना, सीधे बंदे की ले रहे होते हैं। इस टाइम पे जो जेंडर पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। जो देखकर योजुकी कहता है, अच्छा छोड़ो, चलो पावर के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। और इसके बाद वो अपनी 40 मिलियन ओरिजिन क्विक को अनलिस्ट करता है, जिसके सामने लगभग सब कुछ धुंधला लग रहा होता है। योजुकी का हाथ कांप रहा होता है और उसके हाथ में एक ब्लू स्लॉट दिखाई देती है, और उसकी ओरिजिन क्विक तुरंत ही ब्लू स्लॉट के अंदर जाने लगती है। और वो तुरंत ही कहता है, डार्क प्रिजन 10 कैंग स्लैश। योजुकी की जो रिच सोर्स एनर्जी होती है, उसका फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा तेज होता है, और वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए सीधा ही सामने की तरफ एक स्लैश कर देता है, जिससे आसपास का जो एरिया था वो भी हिलने लग गया था। साथ ही ग्रीन लाइट का जो ये क्रॉस स्लैश होता है, वो इमॉर्टल डेमन क्लोन और जो यान की तरफ बढ़ रहा होता है। और अगर जो इमॉर्टल डेमन क्लोन का यूज नहीं करता तो ऑब्वियसली योजुकी से निपटना काफी मुश्किल होगा। हालांकि जो है योजुकी के साथ ज्यादा देर तक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने लड़ने का इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसने सीधा इमॉर्टल डेमन क्लोन को आगे बढ़ा दिया होता है। और जान खुद दूर चला गया होता है स्प्रिट ट्री की ओर, सभी फ्रूट्स को इकट्ठा करने की तैयारी में। और योजुकी जब यह देखता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन उसके पास इसकी परवाह करने का कोई भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसका जो ब्लू क्रॉस स्लैश अटैक होता है इमॉर्टल डेमन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी इमॉर्टल डेमन क्लोन तुरंत ही कहता है, पिज्जा बर्गर आलू पराठा, कोई अटैक नहीं मुझको आता, मेरा मुक्का जो भी खाता राम नाम सत्य हो जाता। वो सीधा बता रहा था, भाई मेरे को नहीं आते अटैक्स अटैक, मेरा सिर्फ मुक्का मेरे को मारना आता है। और वो वही पंच लेकर सीधा ही आगे बढ़ गया होता है। सोर्स एनर्जी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं, बस पंच की पावर इतनी खतरनाक होती है। और योजुकी का मानना था कि बस यही अटैक अंतिम, यही अटैक भारी इसकी लंका है लगने वाली। वो बंदा फुल चिल होता है कि ये तो गए हो ठाकुर, तो गए हो, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हवा में होता है एक धमाका, और अपनी फौलाद की औलाद के पंच के सामने ये स्लॉट की जो एज्योर लाइट स्लैश होती है वो तुरंत ही टूटकर बिखर गई होती है। ये बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह थी भाई, जो थोड़े से ही फ्लक्चुएशन से निपट गई। जो देखकर योजुकी कहते हैं, नहीं नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, उसने उसने कोई अटैक ही नहीं किया, वो इतने आसानी से मेरे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, जरा सा भी रजिस्टेंस नहीं। योजुकी को दांत पीस लेता और अपने लॉन्ग नाइफ को पकड़ते हुए रिच ओरिजिन को लगातार यूज कर रहा होता। वो अभी भी अपने स्किल पर भरोसा कर रहा था। उसी समय इमॉर्टल डेमन क्लोन आगे बढ़ते हुए कहता है, योजुकी भी लगातार अपने एज़्योर लाइट के साथ स्लॉट को हिला रहा होता है और पावरफुल मेटल स्किल्स को अपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। उसका अटैक और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे होते हैं, और 7 स्टार फाइटिंग गॉड के इंटरमीडिएट लेवल की पावर के साथ ऑब्वियसली उसके अटैक किसी को भी पहले के लिए काफी थे, लेकिन इमॉर्टल डेमन क्लोन को नहीं। उसके सामने ये अटैक ऐसे लग रहे होते जैसे हाथी को मारने के लिए चींटी उसके ऊपर फेंकी जा रही है। इमॉर्टल डेमन क्लोन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बस अपने पंच को इधर उधर घुमा के उसके अटैकों के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। साथ ही वो धीरे धीरे योजुकी के क्लोज आता जा रहा होता है, और योजुकी के पास कोई भी स्टेप या अटैक नहीं था इमॉर्टल डेमन क्लोन को रोकने। भले ही उसने अपने दांत पीस लिए, अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर लिया हो, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अनगिनत ग्रीन लाइट पागलपन वाले तरीके के साथ इमॉर्टल डेमन क्लोन की तरफ बढ़ रही होती है, और इमॉर्टल डेमन क्लोन को हर तरफ से घेर कर लगभग ग्रीन लाइट के अंदर ही ढक लिया होता है। लेकिन अगले ही पल इमॉर्टल डेमन क्लोन का काला काला हाथ धीरे धीरे बाहर निकलता है, और उसके बाद वो धीरे से बाहर आता है। उसके कपड़े के एक धागे पे भी कोई असर नहीं पड़ा होता, जैसे कि अटैक उसे छू भी ना पाए हो। जो देखकर उतना दिखा था, डैम इट, इस व्यक्ति की ताकत 8 स्टार फाइटिंग गॉड लेवल तक पहुंच गई होगी। योजुकी हैरान था, लेकिन उस समय उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला थॉट आता है कि क्या इमॉर्टल डेमन क्लोन की पावर इससे भी ज्यादा हो सकती है 8 स्टार फाइटिंग गॉड के कंपैरिजन में, क्योंकि लौंडा काफी शांत था और सभी स्किल्स को ऐसे हरा रहा था जैसे कि हाथी चींटियों को अपने पैर के नीचे कुचल रहा हो। यहाँ तक कि उसके ट्रम्प कार्ड को भी अपने पिछले पॉकेट के जेब में रख के घूम रहा था भाई, जिस पर योजुकी को कभी प्राउड हुआ करता था। उसके अटैक वास्तव में उसके सामने कुछ भी नहीं थे।
योजियो की तुरंत ही कहता, पीछे हटो, भागो बे, भागो भागो शेर आया। तभी जन कहता, ओहो, तो क्या आप जाना चाहते हैं? वैसे हमने वो सब कुछ हड़प लिया है जिसे आप हत्याना चाहते थे, और आप भी कोई अब बात नहीं, या तो आप अपनी स्पिरिचुअल टैबलेट हमें दे दे या फिर मैं मार कर ले लूंगा। ऐसा कहते हुए जान उसकी तरफ देखता है। जहाँ तक इमोर्टल डेमन क्लोन की बात है, वो एक कदम आगे बढ़ाता है और यो जोकी की तरफ चला जाता है, और दूसरी तरफ जोयन व्हाइट फ्लेम लाइट का यूज करते हुए उन सभी को उनकी जगह पर ही फ्रीज कर देता है। और जब यो जोकी को पंच लगता है तो यो जोकी की बॉडी से आत्मा बाहर निकल कर खड़ी हो गई होती है और सीधा कहती है, भाई तू पहले उसे स्प्रिट कार्ड दे दे, तब मैं बॉडी के अंदर जा रही हूँ। ये इतनी बेहुदा और बेइज्जती वाली बॉडी मुझे मंजूर नहीं, ना मैं को तेरे साथ नहीं रहना। तू या तो भाई पेल दिया जा या इज्जत से जिंदा जा, दे दे स्प्रिट कार्ड दे दे। यो जोकी के सामने भाई अंधेरा छा गया होता है, बंदे को रात में तारे दिख रहे, दिन में तारे दिख रहे होते हैं। ये पंच उसकी छाती को चीर देता है। साथ ही जो पावर थी है जोकी की उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक थी, उसकी छाती से खून की धार निकल पड़ी होती है, इनर बॉडी ऑर्गन्स टूट चुके होते हैं, और लड़खड़ाते हुए बेचारे ने अपने ग्रेविटेशन सेंटर को खो दिया होता है और जमीन में एक लंबा गड्ढा बना दिया होता है। डरे हुए चेहरे के साथ वो इमॉर्टल डेमन एंसेस्टर को देख रहा होता है। वो तुरंत ही कहता है, मुझे माफ करे, ये सभी मेरे स्पिरिचुअल कार्ड है, आप इन्हें रख ले, मुझे माफ कर दे, मुझे जिंदा छोड़ दे। यो जोकिन अपने हाथ से सभी स्प्रिट कार्ड निकाल दिए होते, जो कुल मिलाकर 40 ब्लू स्प्रिट कार्ड थे, जिससे देखा जा सकता था कि यो जोकी ने अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर के साथ काफी अच्छी कमाई कर रखी थी, और अब तक मिले लोगों में यो जोकी सबसे पावरफुल पर्सन था। तभी इमॉर्टल डेमन क्लोन की आवाज आती है, अभी तक तो सिचुएशन यही थी, लेकिन अब अगर ये सिर्फ स्पिरिचुअल कार्ड है तो यह पर्याप्त नहीं है। हालांकि बोलने का लहजा अभी भी काफी ज्यादा शांत होता है, जो देखकर यह जीव की तुरंत ही कहता, मेरे पास केवल इतना ही है। बंदा कांप रहा होता है। तभी इमॉर्टल डेमन क्लोन यूजुकी को शांति से देखता है और स्पष्ट तौर पर कहता है कि मैंने कई बार तुम लोगों का सामना किया, हालांकि इससे जॉन को कोई परेशानी नहीं हुई थी, फिर भी जॉन का टाइम काफी वेस्ट हुआ था, पहले ही वो काफी बार काइंडनेस दिखा चुका था। यूजुकी अपने दांतों को पीस लेता है, वो जानता था कि अगर वो जीवित रहना चाहता है तो वो तब तक जीवित नहीं रह पाएगा जब तक कि वो कुछ अच्छा ना निकाले। तभी बंदा तुरंत कहता है, मेरे पास अब कोई भी स्पिरिचुअल टैबलेट नहीं है, मेरे पास एक चीज है जो कुछ कीमती है, और वो है एशियंट ग्रेवयार्ड सील जेट, मैं आपको ये दे दूंगा अगर आप मुझे जाने देंगे। तभी हम कहते हैं, एशियंट ग्रेवयार्ड सील जेट, क्या वास्तव में सील जेट? तभी वो तुरंत कहता है, मुझे लगता है कि जब आप इस जगह पर एंटर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किलिंग स्काई में इमोर्टल रुइंस भी हैं। जहाँ तक मुझे पता है, इमोर्टल ग्रेवयार्ड में एंटर करने के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उस प्लेस में एंटर करने के लिए केवल वही लोग एलिजिबल हैं जिनके पास ये एशियंट ग्रेवयार्ड जेट सील है। और ऐसा कहते हुए योजुकी की आंखें चमक रही होती हैं। तभी जन कहता है, एशियंट ग्रेवयार्ड कहाँ पर है? तभी तुरंत कहता है, एशियंट ग्रेवयार्ड मेन एरिया में होनी चाहिए, मुझे ये चीज उस पर्सन से पता चली जिसे मैंने मारा था। जहाँ तक कि ये सच है, एशियन ग्रेवयार्ड कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। ऐसा कहते हुए योजुकी हेल्पलेस स्माइल करता है। इमॉर्टल डेमन क्लोन अपने हाथ को फैलाते हुए योजुकी को देखता है, तो वो तुरंत ही उस सील जेट को जियान की तरफ फेंक देता है, और जांच के बाद जियान समझ जाता है कि बंदा उसे झूठ नहीं बोल रहा। तभी योजुकी तुरंत ही कहता, गॉड, तो क्या हम जा सकते हैं? तभी जियान कहता है, इस मामले में मैं तुम्हें 3 लाइफ दूंगा, और उन दोनों को मिलाकर मैं पहले ही 3 बार तुम लोगों को जिंदा छोड़ चुका हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि किलिंग एरिना इतनी बड़ी नहीं है, अगर ये जेट सील नकली है तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, और जब हम दोबारा मिलेंगे। इमॉर्टल डेमन क्लोन जैसे ये कहता है तो वैसे उसके वर्ड में कोई भी काउंडनेस नहीं होती और काइंडनेस नहीं होती, और ये जो कि क्या कभी कोल्ड हो गए होती है। वो जल्दी ही रिस्पेक्टेडली जो एयान को ग्रीट करता है और कहता है, बस मालिक इस बार छोड़ दो, अगली बार से सामने तक ना आऊंगा। वो तुरंत ही डोंगसेंग रियलम के सभी लोगों को लीड करते हुए तुरंत ही कहता है, भागो भागो शेर आया, और यहाँ से भाग जाता है। भाई दूसरा जान उसी ग्रेवयार्ड सील जेट को देख रहा होता है, जेट सील को जो सेव जोकी से मिली थी, और लॉन्ग टाइम तक इसे देखने के बाद जो यान उसे रख लेता है। तभी अचानक एक आवाज आती है, उसे जाने क्यों दिया? अगर उसके पास हेल्पर्स हैं तो वो फिर से आएगा और हमारे लिए कांटा बनेगा। ले जिया हैरान थी, क्योंकि जोकी ने उसे उकसाया था, लेकिन जान ने उन्हें नहीं मारा। तभी जॉन कहता है, चिंता मत करो, इस पर्सन के पास छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, और अगर ये मेरे उम्मीद के अकॉर्डिंग है तो अभी भी इसका जिंदा रहना जरूरी है। मैं निश्चित तौर पर इससे दोबारा मिलूंगा और फिर मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा, उन्हें जिंदा रखना अभी भी यूजफुल होना चाहिए। और जॉन धीरे से ऐसा कहता है, हालांकि वो भी उसे सीधे मारना चाहता था, लेकिन जॉन पीछे हट रहा था क्योंकि उसे अभी भी कुछ अननोन सा फील हो रहा था जिन चीज़ों के बारे में जॉन जानना चाहता था। और जॉन को उम्मीद नहीं थी कि उसे उस एशियन ग्रेवयार्ड सील जेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पूरी है। जॉन तुरंत कहता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन मुझे इमॉर्टल रुइंस के बारे में कुछ सुराग मिले हैं, जहाँ तक अगर ये सच है या नहीं ये बाद में मुझे पता ही चलेगा, इसीलिए अभी भी तुम्हें भड़काए जाने वाली इतनी छोटी सी बात के लिए
तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, इसका बदला तो हम ले ही लेंगे। जिस पर लेई जी भी एग्री होती है अपना सिर हिला देती है, क्योंकि लेई जी जॉन द्वारा किए गए किसी भी डिसीजन को काटने की हिम्मत नहीं करती। जॉन ने जो कहा वही सही भाई, जॉन तो कह दे भाई चलो शादी करके हनीमून पे चलते, लड़की तैयार है। ये लड़की जो पूरी दुनिया के लिए खूंखार शेरनी बनी घूमती है, जॉन के लिए पूरी ऑनेस्ट ओबीडियंट सॉफ्ट हार्टेड और पोजेसिव लड़की की तरह है भाई, बिल्कुल वाइफ की तरह। जिसके बाद जॉन कहता है थोड़ा देर के लिए मैं अब बैठूंगा क्रॉस लेग करके और इन फ्रूट्स को ऑब्जर्व करूंगा। और उसके बाद जॉन दर्जनों स्प्रिट फ्रूट को देखता है जो ना तो ज्यादा थे और ना ही कम। साथ ही जॉन ने पहले इन फ्रूट्स को निकला था जो कि लगभग 2 मिलियन कुई को 2 लाख कुई को बढ़ा सकते थे, जो पहले से ही काफी अच्छा था। हालांकि किलिंग हेवन में स्पष्ट रूप से बहुत सारे स्प्रिट फ्रूट हैं और ऐसे मौके पाने वाले काफी सारे लोग होंगे जो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और जिस स्पीड से ओरिजिन कुई के फाउंडेशन को बढ़ाता और स्ट्रॉन्ग करता है, ये स्प्रिट फ्रूट ने जॉन को समझा दिया था। और यही एक वजह भी थी कि किलिंग हेवन इतना खतरनाक था, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो इतने सारे लोग इससे अट्रैक्ट भी नहीं होते। साथ ही इमॉर्टल डेमन क्लोन के ओरिजिन के कारण जोयान को डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जॉन केवल अपनी पावर के साथ ही किलिंग करके एक्सपीरियंस गैदर कर पाएगा रियल स्काई किलिंग एरिना में। अगर जॉन इमॉर्टल डेमन क्लोन का यूज करता है तो इस जगह पर लोगों को मार देना बहुत आसान होगा, और इस फर्स्ट लेवल ऑफ किलिंग स्काई में जॉन का ओपोनेंट कोई भी नहीं होगा अगर वो इमॉर्टल डेमन क्लोन का याद करता है यूज करता है। जिसके बाद जोयान उसकी आंखों में लाइट ग्लो होती, जॉन की जो ओरिजिन की फाउंडेशन थी वो 2,70,000 के आसपास थी, जो अभी 5 स्टार फाइटिंग गॉड के लेट स्टेज में है, लेकिन पीक लेवल तक पहुंचने के लिए जॉन को अभी भी कम से कम 3.5 मिलियन सोर्स कुई की जरूरत थी। और ये 300 सोर्स स्प्रेड फ्रूट जॉन को पीक लेवल तक पहुंचाने की इजाजत दे सकते थे। जहां तक जॉन अगर 5 स्टार फाइटिंग गॉड के पीक तक पहुंच सकता है तो 6 स्टार फाइटिंग गॉड को भी जॉन ब्रेक थ्रू कर सकता है। और किलिंग हेवन में एंटर करते हुए जोयान को और भी अधिक महसूस हुआ था कि उसकी ताकत वास्तव में काफी वीक थी, भले ही उसने पहले अपनी ताकत में 7 स्टार फाइटिंग गॉड को हराया हो, वो अभी भी केवल डेमन गॉड या कि डेमोनिक फ्लेम पर डिपेंड था। लेकिन 20 मिलियन ओरिजिन कुई का फाउंडेशन ही उसकी लिमिट थी जिसे वो बर्दाश्त कर सकता था। हालांकि भले ही डेमोनिक फ्लेम और भी ज्यादा कुई फाउंडेशन को बढ़ा सकती है, लेकिन जॉन उतनी पावर को कैरी नहीं कर सकता, वो केवल जिस पावर को कैरी कर सकता था वो 20 मिलियन थी। साथ ही इस जगह के एरिया में 7 स्टार फाइटिंग गॉड के इंटरमीडिएट लेवल के पावर का इमेजिनेशन करना तो कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग लोग होंगे। लेकिन जॉन हमेशा इमॉर्टल डेमन क्लोन की पावर पर भरोसा नहीं कर सकता, भले उसके पास पर्याप्त स्पिरिट फ्रूट हो, वो केवल अपने सोर्स कुई पर ही भरोसा कर सकता था और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एनर्जी के लिए आपको खुद ही फाइट करनी होगी और इसे एक्सपीरियंस करना होगा। और यही जॉन की इस जर्नी का मेन मोटिव भी था, जिसका जॉन संकोच नहीं करता क्रॉस लेग बैठ जाता और जॉन ने फिर से 2 निकालकर बूजन को दे दिए होते हैं, जो देखकर बूजन अभी भी हैरान होता है। और थोड़ी देर के बाद बूजन जॉन को देखता है, साथ ही शुरुआत से उसका डर धीरे धीरे अब कंफ्यूजन में बदल गया था, और वो जॉन के लिए काफी ग्रेटफुल था। उसे उम्मीद नहीं था कि यह बंदा वास्तव में इतना अच्छा है, वो अपने दिल में यही कहता है, या मायला मैं तो तेरे को शैतान समझता था, तू तो देव मानुष निकला। उसने वैसे ही फाइटिंग गॉड अलायंस के अंदर साजी से फाइटिंग धोखेबाजी ही देखी थी, और बूजन ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन जब जोयान की बात आती है तो जॉन उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसा कि वो अपने किसी भाई या अपने क्लोज के साथ बिहेव कर रहा हो। बूजन तुरंत ही 2 स्प्रेड फ्रूट को पकड़ता, ऐसा लग रहा था कि जॉन ने उसे अपने एक मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि वो ज्यादा मदद नहीं कर सका था, लेकिन जोयान ने उसे फिर भी नापसंद नहीं किया था, बल्कि वो उसके एफर्ट से खुश था। कोई से बताओ भाई, हमारे ठरकी का बहुत बड़ा है दिल बहुत बड़ा है। बूजन का भी दिल धीरे धीरे बदल जाता है, स्प्रिट फ्रूट को देखकर उसकी आंखें गर्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में एक स्ट्रांग विश्वास जाग रहा है, वो स्ट्रांग बनना चाहता था। और ज्यादा स्ट्रांग बनकर ही आप अपने पास को खुद डिसाइड कर सकते हो। साथ ही फाइटिंग गॉड अलायंस के 5th ओहनेस के तौर पर बूजन को लगता है कि वो 5 स्टार फाइटिंग गॉड की पावर के साथ काफी पावरफुल था। कम से कम फाइटिंग गॉड अलायंस के अंदर उसे कभी भी लाइफ और डेथ का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि बूजन कभी भी फाइटिंग गॉड अलायंस से बाहर नहीं आया था, और ज्यादातर टाइम फाइटिंग गॉड अलायंस के अंदर ही बिताया था और जिंदा रहने के लिए फाइटिंग गॉड अलायंस पर जुड़ा हुआ और रिलाय करता था। और दूसरे वर्ड में बूजन को हमेशा ही फाइटिंग गॉड अलायंस द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, और बूजन जो फाइटिंग गॉड अलायंस को छोड़ चुका था, अकेले ही किलिंग हेवन में एंटर कर चुका था और जोयान का पूरे रास्ते पीछा कर रहा था। उसे एहसास हुआ था कि 5 स्टार फाइटिंग गॉड की पावर बस इतनी सी ही है, और ऐसा लगता है कि सचमुच अभी भी वो फाइटिंग गॉड के हाई लेवल में शामिल नहीं हुआ। 5 स्टार फाइटिंग गॉड बनने से पहले ओरिजिन का फाउंडेशन 1 मिलियन से ज्यादा नहीं था, लेकिन 5 स्टार फाइटिंग गॉड में एंटर करने के बाद ओरिजिन कोई फाउंडेशन एक अताह लेवल तक पहुंच गया होता है, और अकेले 7 स्टार फाइटिंग गॉड तक पहुंचने के लिए
20 मिलियन ओरिजन को स्टार की जरूरत होती है, जबकि उसकी बॉडी में केवल 1 मिलियन ओरिजन को स्टार होने चाहिए, जो पूरी तरीके से कंपैरिजन के लायक नहीं थे। हालांकि विजन को अभी भी याद था कि जब वो जियान से पहली बार मिला था तो जियान 5 स्टार फाइटिंग गॉड के स्टार्टिंग लेवल पर था और उसकी सोर्स एनर्जी अभी भी 1 मिलियन से ज्यादा थी, जो कि उसकी ताकत के आसपास ही थी। लेकिन जियान द्वारा शो की गई पावर काफी ज्यादा मजबूत थी, उससे कहीं ज्यादा। साथ ही जियान की लड़ाई ने विजन को झकझोर कर रख दिया था। किलिंग एरिना में एंटर करने के बाद जियान अनबिलीवेबल स्पीड के साथ बढ़ रहा होता है और शायद वो 6 स्टार फाइटिंग गॉड तक पहुंच सकता है, जिसके बाद विजन भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। विजन क्रॉस लेग बैठे जियान को देखकर बड़बड़ाता है और उसकी आंखों में लाइट ग्लो हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ जियान की आइडेंटिटी के कारण ये इम्पॉसिबल होगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा जिसे वो पकड़ना चाहता है। का मतलब जियान के जैसा बनना चाहता है, जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग खतरनाक। हालांकि इसके बावजूद विजन, जो लंबे समय से 5 स्टार पर स्टेबल था, एक बार फिर से उसकी डिजायर जाग चुकी थी और थोड़ी देर तक झिझकने के बाद वो भी स्पिरिट फ्रूट्स को स्वेलो कर लेता है। और उसी टाइम पे जॉन भी कल्टीवेशन स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि सैन लुओ रियलम के मा चैन और साक्षी के साथ फाइट के बाद जॉन ने फोर्सफुली सॉकिंग गॉड ऑफ डिवाइन स्टेप के 5 स्टेप का यूज किया था। और ऐसे ही फाइट में जॉन की क्वीज फाउंडेशन काफी ज्यादा यूज हुई थी और खाली हुई थी, जिससे जॉन अब अपने क्वीज फाउंडेशन को सुधार सकता था, क्योंकि केवल खतरनाक फाइट के बाद ही आप अपने क्वीज फाउंडेशन को खाली कर सकते हैं और उसे फिर से भरकर उसे सुधार सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। और जियान द्वारा फ्रूट्स को निकालने के बाद 2.7 मिलियन की जो यूआर कोई स्टार फाउंडेशन होती तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि अभी भी पहले जैसा ही था और एक स्प्रिट फ्रूट सीधे ही 2,00,000 कोई स्टार बढ़ा सकता था, जिससे जियान की पूरी बॉडी में ओरिजन कोई की वृद्धि होती है। और एक के बाद एक ओरिजन कोई फ्रूट्स को जियान स्वेलो करता है। इस टाइम पे इमॉर्टल डायमंड क्लोन यहाँ पर था, इसलिए जियान को किसी भी टीम की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और जियान की पावर तेजी से बढ़ते हुए कम टाइम के अंदर ही 2.7 मिलियन से बढ़कर 3.5 मिलियन तक पहुंच गई होती है। साथ ही जियान के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी था, जो 5 स्टार फाइटिंग गॉड के पीक लेवल का था। और जियान के डबल स्टार सी के कारण ओरियन क्वी की जो क्वांटिटी थी, जिसे जियान वास्तव में शो कर सकता था, वो 7 मिलियन है। और जैसे जैसे जियान की पावर बढ़ती जा रही है, उसके म्यूटेटेड स्टार सी की पावर भी धीरे धीरे सामने आती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर इस टाइम पे जियान हालांकि 5 स्टार पीक लेवल पर है और उसके पास 7 मिलियन क्वी स्टार है, जो कि हो सकता है 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल के फाइटिंग गॉड के साथ फाइट करने में कैपेबल। साथ ही जॉन की पावर बढ़ती जा रही है, भले उसकी ओरिजिन क्वी को 10 कंप्लीट पावर की जरूरत ना हो, 10 डेमोनिक फ्लेम की जरूरत ना हो, वो बिना किसी प्रॉब्लम के क्रॉस लेवल फाइट कर सकता है। साथ ही 90,000 स्क्वायर मीटर के थंडर सी को भी अगर जॉन के साथ जोड़ दिया जाए तो जॉन की बैटल पावर में काफी ज्यादा सुधार होता है। साथ ही जॉन की ओरिजिन क्वी फाउंडेशन 3.5 मिलियन तक पहुंच गई होती है, लेकिन ये अभी तक रुकी नहीं होती बल्कि बढ़ना कंटिन्यू रखती है। और इस समय जॉन पहले से ही 8 सोर्स स्पिरिट फ्रूट स्वेलो कर चुका था और 8वें को स्वेलो करने के बाद जॉन का क्वी फाउंडेशन जो होता है वो 4 मिलियन तक पहुंच गया होता है। लेकिन जॉन 6 स्टार फाइटिंग गॉड से अभी भी काफी दूर होता है और उसे एक और लंबा रास्ता तय करना था। किसी को कम से कम 5 मिलियन ओरिजिन क्वी फाउंडेशन की जरूरत होगी, इसलिए जॉन के पास अभी भी अंतर था लगभग 10,00,000 क्वी स्टार का। हालांकि ओरिजिन क्वी फाउंडेशन में 4 मिलियन तक पहुंचने के बाद जॉन एक लंबी सांस लेता है और अगर वो कैलकुलेट करे 8 ओरिजिन क्वी फ्रूट की मदद से अगर 1 से 2,00,000 स्टार बढ़ते हैं तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जॉन को इस टाइम पे 4.3 मिलियन तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन 8th फ्रूट को सेलो करने के बाद जॉन को पता चला कि उसके पास अभी भी हाई क्वांटिटी में डिवाइन क्वी थी, जो जॉन के एक्यूपंचर पॉइंट बोन और बॉडी में फैली हुई होती है। जॉन तुरंत ही कहता कोई सरप्राइज की बात नहीं कि ऐसी सिचुएशन है, स्प्रिट फ्रूट वास्तव में एनर्जी को सुधार सकता है, लेकिन हमेशा अब्जॉर्ब की जाने वाली जो पावर वो लिमिटेड है। हालांकि जॉन अगर 8th को सेलो करता है तो यह पहले से ही बहुत खतरनाक और खतरनाक टैलेंट था। और जॉन तुरंत ही रुका और विजन को 2 और स्प्रिट फ्रूट दे देता, उनमें से 8 को जॉन ने अब्जॉर्ब कर लिया था और जॉन के पास टोटल 30 स्प्रिट फ्रूट थे जो जॉन को मिले थे, यानी 8 को जॉन ने अब्जॉर्ब कर लिया था और 2 विजन को दे दिए थे, यानी कि 10 जो यान ने खर्च कर दिए थे और अभी जॉन के पास 20 बचे थे। 36 स्टार तोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हालांकि अब जबकि बॉडी एक अड़चन तक पहुंच गई थी तो इसे स्वेलो करने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था, इसलिए जबरदस्ती स्वेलो करना केवल रिसोर्सेज की बर्बादी थी। और ओरिजिन की फाउंडेशन को 4 मिलियन तक बढ़ाने में कैपेबल होना पहले से ही एक लिमिट होनी चाहिए जिसे जॉन की बॉडी बर्दाश्त कर सकती थी, और अब इसे और ज्यादा फोर्सफुली अब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि जॉन को और भी ज्यादा खतरनाक फाइट को एक्सपीरियंस करना होगा जिससे उसका क्वी फाउंडेशन खाली और वो उसे सुधार सके, क्योंकि नॉर्मल फाइट्स पर्याप्त नहीं है। कम से कम अभी मा चैन और साक्षी के साथ हुई लड़ाई जैसी लड़ाई की एक जरूरत थी, केवल इसी तरीके से जॉन अपनी बॉडी के बैरियर्स को तोड़ सकता था, जिसके बाद जॉन खड़ा होता और विजन ने भी अपने फ्रूट्स अब्जॉर्ब कर लिए थे और विजन अभी भी खुश था क्योंकि उसकी पावर में सुधार हुआ था। तभी जॉन विजन की तरफ देखता है और महसूस कर सकता था कि और अब पहले से स्ट्रांग है। तभी जॉन कहता है कि आपने कोई ब्रेक थ्रू हासिल किया, जिस पर विजन जॉन को ग्रीट करते हुए अपने हाथ को उठाते हुए तुरंत ही कहता है बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चियो,
मैं अभी अभी 5-स्टार फाइटिंग आउट के लेट स्टेज तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी मैंने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू किया है। तभी जान कहता है नॉट बैड नॉट बैड, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम थोड़े कमज़ोर हो लेकिन तुम फाइट करने से नहीं डरते, इसीलिए ये दो स्प्रिट फ्रूट तुम्हें देने के लायक थे। हालांकि शुरुआत में बूजैन के इरादे अलग थे, लेकिन जोयान का इतना लॉन्ग टाइम तक पीछा करने के बाद उसके दिल का अनसेटिस्फैक्शन पूरी तरीके से दूर हो गया होता है, जिसके बाद सभी मूवमेंट्स को दूर करने के बाद और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जोयान एक बार फिर से इमॉर्टल डेमन क्लोन को स्टोरेज रिंग में रख लेता है, क्योंकि अभी भी जोयान का ट्रम्प कार्ड था और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। जोयान इसे किसी को भी दिखाना नहीं चाहता था, जोयान केवल इसे तभी रिवील करना चाहता था जब उसके पास अपने ओपोनेंट को हराने की पावर ना हो, जिसके बाद जोयान खड़ा होता है स्प्रिट ट्री के नीचे आ जाता है। हालांकि उसने सारे स्प्रिट फूड तोड़ लिए थे, लेकिन फिर भी अभी ट्री के नीचे 3 बॉक्स रखे हुए थे, जिसके बाद जोयान स्माइल करते हुए कहता है चलो तो अब ये तुम्हारी बारी है, और स्माइल करते हुए बूजैन की तरफ देखता है। ये सुनकर वो भी बुरी तरीके से स्माइल करता है, हालांकि वो लड़ने में अच्छा नहीं था लेकिन बॉक्स ओपन करने में उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी। बूजैन आगे बढ़कर फर्स्ट बॉक्स को खोलने वाला होता है, लेकिन इस समय जोयान अचानक ही बूजैन को खींच लेता है और बूजैन चौंक गया, सोचा कि कोई जाल है। तभी जोयान कहता है एक मिनट रुको, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा लक इतना ख़राब होगा, एक बार मुझे देखने दो। जोयान ने प्रिमोर्डियल पैलेस में एक्सपीरियंस किया था कि सब कुछ बढ़िया था, वो फुल लकी था और हर एक चीज़ अच्छे से चल रही थी, फिर ये स्टोन बॉक्स के साथ कैसे हो सकता है। तभी लेजी तुरंत ही जोयान से कहती ओए ना बिल्कुल भी नहीं, रिसोर्सेज बर्बाद करना बंद करो। लेजी तो जोयान के जले में नमक छिड़क देती है और जोयान तुरंत ही आगे बढ़कर अपनी हथेली को बढ़ाता है और पहले पत्थर के डब्बे को छीन लेता है। हालांकि तभी जोयान कहता है यार ऐसा कुछ नहीं होता, बस देखो इसमें अच्छी चीज निकल, और जोयान तुरंत ही उस बॉक्स को ओपन करता है और ऐसा लगता है मानो उस टाइम पे आसमान से एक स्ट्रॉन्ग थंडर लाइटिंग हो गई हो जोयान के ऊपर, आसपास की जगह रुक गई हो। जोयान अपने घुटने के बल बैठकर अपने हाथों से जोयान अपने सिर को पकड़ते हुए आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसा क्यों है। दोस्तों लेजी और बूजैन दोनों क्यूरियस होकर जोयान के पास आते हैं और स्टोन बॉक्स की तरफ देखते हैं। लेजी अपने हाथ को बढ़ाकर देखती है तो स्टोन पर ब्लू स्प्रिट होती है, स्प्रिट कार्ड होती है। तभी लेजी कहती है ओह थैंक गॉड ये फिर भी अच्छा है, मुझे लगा कि यह खाली है, कम से कम इसमें एक नीली स्प्रिट टैबलेट तो है जो पहले से अच्छी बात है। और लेजी यहाँ पे अपने चेहरे में स्पेल छिपाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं कर पाती और जान को तसल्ली देती है। तभी जान कहता लगता है मुझे किसी ने कर्ज दिया है, ऐसा नहीं हो सकता, वरना ये तीनों स्टोन बॉक्स केवल सजावट होने चाहिए और इन सभी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जोयान ने हालांकि ऐसा कहा ही था कि तभी बूजैन पहले से ही दूसरे बॉक्स के पास चला गया होता है और अचानक अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस बॉक्स को ओपन करता है, जिससे पूरा का पूरा हिडन एरिया अचानक ही तेज लाइट से भर गया होता है। और इसे देखकर वो तुरंत ही कहता है ये एक फाइटिंग स्किल, जो देखकर जोयान तुरंत ही कहता है फाइटिंग स्किल। जोयान के चेहरे की जो सैडनेस होती है वो तुरंत ही दूर हो जाती है, क्योंकि ऐसी जगह पे दिखाई देने वाला बैटल स्किल कभी भी नॉर्मल तो नहीं हो सकता था। तभी बूजैन स्टोन बॉक्स से उस स्क्रॉल को निकालकर जोयान को सौंप देता है। जो आगे आया था लेजी ने भी जोयान के हाथों में स्क्रॉल को काफी क्यूरियस तरीके से देखा था, वो तुरंत ही कहते हैं कितना स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट निकल रहा है। जोयान जब अपने हाथ में उस स्क्रॉल को खोलने से पहले उस स्क्रॉल के ऑरे को देखता तो हैरान होता है, जिसके बाद धीरे धीरे वो स्क्रॉल को ओपन करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर डालता है। तो जोयान के दिमाग में काफी सारी इन्फॉर्मेशन आती है और जोयान तुरंत ही कहता है डेड किलिंग सील। और इस बैटल स्किल के नाम से ये देखना मुश्किल नहीं था कि ये सिर्फ बैटल स्किल लोगों को मारने के लिए बनाया गया था और इसे बैटल स्किल का किलिंग स्काई से गहरा संबंध होना चाहिए। तभी जोयान कहता है ये बैटल स्किल ट्रेनिंग के सोर्स के तौर पर किलिंग एनर्जी का यूज करता है, ये किलिंग एनर्जी को कंडेंस करता है और उस एनर्जी का यूज अपने लिए एनर्जी के तौर पर करता है, ये काफी पावरफुल है। इस बैटल स्किल के बारे में जानने के बाद जोयान की आंखें चमक उठी होती है, वो काफी क्यूरियस था। सत्य जोयान को सबसे ज्यादा झटका तो आखिरी वाक्य से आया था, क्योंकि इसमें कहा गया था अगर आप सक्सेसफुली किलिंग डेथ सील को कल्टीवेट करते हैं तो आपके पास कंडेंस कर चुके डेथ सील्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही किलिंग ऑरे के अगेंस्ट रजिस्ट करने की स्ट्रेंथ होगी, लेकिन आप अभी भी लॉन्ग टाइम तक किलिंग ऑरे में नहीं रह सकते। तभी जोयान कहता है क्या ये क्वांटिटी वास्तव में इस बैटल स्किल की रियल पावर है। हालांकि ये किलिंग ऑरे को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अगर ये किलिंग ऑरे को टच करता है तो किलिंग ऑरा उसे इंजर्ड नहीं कर पाएगा ना ही सप्रेस कर पाएगा, और जोयान को ये पसंद आया था। हालांकि बैटल स्किल की जो भूमिका है वो तुच्छ नहीं है, लेकिन जोयान ने भी इस बैटल स्किल के बारे में कुछ पता लगाया था और इसे पावर को जानने के बाद जोयान इसकी इंफॉर्मेशन को नहीं मिटाता, क्योंकि हर कोई इसे कल्टीवेट कर सकता है और ये केवल इसे किलिंग स्पाई पे ही वर्क करता है, इसीलिए ये किलिंग सील स्क्रॉल जोयान और बाकी के लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। कुल मिला के बात ये थी कि अगर जोयान इस बैटल स्किल को सीख लेता है तो जो डेथ हुई थी ना यहाँ की मिस्ट टाइप पे वो जोयान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन हाँ ज्यादा देर तक नहीं।
तभी जॉन कहता है भले ही इस टाइप का बैटल स्किल अनबीटेबल ना हो लेकिन इस तरीके के बैटल स्किल ज्यादा नहीं होंगे। साथ ही ये कहने की जरूरत नहीं कि स्किलिंग बर्ड में या तो आप मरेंगे या जिंदा रहेंगे, तो कौन एक ऐसे बैटल स्किल को साझा करने के लिए तैयार होगा जो एक एक्स्ट्रा गारंटी दे सकता है इस जगह में सर्वाइव करने की। जिसके बाद जॉन तुरंत कहते चलो इस बैटल स्किल को कल्टीवेट करते हैं, इसे किलिंग डेथ सील कहा जाता है। अगर आप इसे सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लेते हैं तो आप किलिंग एनर्जी का सामना कर सकते हैं। अर्सा कहते हैं जॉन लेजी और बुजैन को भी इस स्क्रोल को सौंप देता है क्योंकि ये स्किल हार्ड नहीं थी लेकिन ये किलिंग एनर्जी के इम्पैक्ट में आने के लिए है। इसका कल्टीवेशन अभी भी कुछ हद तक खतरनाक है, ये बॉडी को किलिंग एनर्जी देने के बराबर है। हालांकि निश्चित तौर पर कुछ कठिनाइयों का सामना करने जैसा था लेकिन तब तक आप सक्सेसफुली कल्टीवेट कर सकते हैं जब तक आप इसका सामना कर सकते हैं। तभी लेजी और बुजैन तुरंत कहते हैं टाइम समाप्त हो रहा है तो हम तीसरे बॉक्स को खोलने के बाद यहाँ से निकलेंगे और किलिंग डेथ सील को कल्टीवेट करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढेंगे। और लेजी बुजैन तुरंत ही चिल्लाते हैं और तुरंत ही बुजैन कहता है मास्टर जियो क्या आप थर्ड बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं? और जियो यान की तरफ देखता है और जैसे ही ये वर्ड निकले तो जियान को अपनी बॉडी पर ऐसा फील होता है जैसे कांटा चुभो दिया गया हो। वो तुरंत ही बुजैन को घूर कर देखता है और एक सूखी खांसी के साथ स्माइल करता है सिर खुजलाते हुए गुस्से से आगे बढ़ते हुए थर्ड बॉक्स को ओपन करता है। हालांकि जैसे ही जियान थर्ड बॉक्स ओपन करता है लेजी और बुजैन तुरंत ही उसे थर्ड बॉक्स के अंदर देखते हैं और जियान भी यहाँ पे खड़ा हुआ होता है उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी एक दिन उसकी किस्मत जिस पर उसे इतना प्राउड था इतना बड़ा धोखा उसे देगी। तभी लेजी तुरंत ही कहते हैं इसमें कुछ भी क्यों नहीं है जो सुनकर जॉन की आंखें चमक उठती हैं। तभी जॉन कहता है वो ऐसा लगता है बुजैन की किस्मत खराब है। और उसके बाद जॉन अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाता है और जब जॉन सिर करीब लाता है और हंसता है तो लेजी जॉन को ऐसे देख के हंसती है जैसे कोई जॉन के दिल को चाकू से छेद रहा हो क्योंकि बुजैन ने अपने हाथ को बढ़ाकर बॉक्स बुजैन ने खोला है। बुजैन अपने बॉक्स को बढ़ाकर उससे एक स्पिरिचुअल पर्पल कार्ड निकालता है और उसे निकालकर जैसे ही वो पर्पल कार्ड कहता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और जॉन की स्माइल पूरी तरीके से कोल्ड हो गई होती है और जॉन की पूरी बॉडी शॉक। इस बार जॉन को ऐसा लगता है मानो उसके ऊपर खोपड़ी की झोपड़ी में 10,000 थंडर वोल्ट एक साथ गिरे हो। जॉन तुरंत कहता है शर्म की बात है, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है, उसे और पर्पल कार्ड मिल गया। हिडन एरिया छोड़ने तक जॉन के चेहरे पर स्माइल नहीं थी, बेशक उसके बगल में लेजी पूरे रास्ते स्माइल कर रही थी। उसके हंसने की घंटी जैसी आवाज जॉन के कानों पर जा रही थी और ये हंसी नहीं बल्कि जॉन का खुला मजाक था। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है किलिंग एनर्जी बढ़ती जा रही होती है और पूरे किलिंग स्काई को भरती जा रही होती है जिससे जो प्लेस होते थे वो छोटे होते जा रहे थे और जगह लिमिटेड होती जा रही थी जैसे फाइट होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। और ये थर्ड टाइम था जब किलिंग एनर्जी सिकुड़ी थी और हर किसी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। और जैसे जैसे जगह सिकुड़ती जा रही थी स्पिरिचुअल कार्ड्स के लिए कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा फास्ट होता जा रहा था। दूसरा जियान और बाकी के तीन लोग एक बैली पर क्रॉस लेकर के बैठे हुए होते हैं और उनके पीछे घने कोहरे जैसी किलिंग ऑरा पूरे अंधेरे में जुड़ा हुआ होता है। जॉन ने यहाँ पे किलिंग डेथ सील का कल्टीवेशन करने का बीड़ा उठाया था और आग की लपटों से उसने अपने आप को लपेट लिया था और किलिंग एनर्जी में एंटर किया था। और वो लोग जो डेथ सील के बैटल स्किल को नहीं जानते उनकी नज़रों में जॉन पागल से ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे का किलिंग ऑरे के अंदर की जो पॉइजनस इंटेंट उसे नॉर्मल पॉइजन से मापा नहीं जा सकता था। जब जॉन इटर्नल फायर से ढके हुए अपने हाथ को किलिंग इंटेंट के अंदर बढ़ाता तो उसे तुरंत ही समझ आ गया था कि भले ही उसके पास इटर्नल फायर हो लेकिन किलिंग एनर्जी अभी भी जॉन के हाथों से चिपकी हुई थी उसके बॉडी के अंदर डूब रही थी जिससे जॉन घबराता नहीं है क्योंकि इसे किलिंग डेथ सील को कल्टीवेट करने के लिए उसे किलिंग क्विक को अपनी बॉडी के अंदर इंटर करने देना था और सक्सेसफुल होने के लिए उसे डेथ सील को कंडेंस करना था। जिसके बाद जॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये किलिंग सील को अपनी आंखों के बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पर फ्लो होने देता है और कंडेंस करने लगता है। हालांकि किलिंग एनर्जी उतनी जहरीली धुंध नहीं थी जितनी कि दिखाई दे रही थी लेकिन अगर आप इसके हाई क्वांटिटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो आप इसके कंट्रोल में चले जाएंगे और बिल्कुल पागलों वाली सिचुएशन में एंटर हो जाएंगे और एक किलिंग मशीन बन जाएंगे। हालांकि इस चीज के नेचर को समझने के बाद जॉन ठंड से फुसफुसाता है कि अगर ये औरा धीरे ये जगह और किलिंग को इससे कुड़ती रही तो अंत में हर किसी को एक बड़ी लड़ाई का अनुभव करना होगा और जो लोग अभी भी बच रहे हैं वो इस फाइट में मारे जाएंगे और अगर वो इस क्विक से इन्फेक्टेड हो गए तो वो अपना दिमाग खो देंगे और एक किलिंग मशीन बन जाएंगे। तो चलो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होने वाला है। तो बाय बाय थ्री एंड फैमिली, गुड नाइट।